हेलो फ्रेंड्स, इंडियन करी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ग्रेवी वाले भरवा टिंडे। इन्हें हम कुकर में बनाएंगे, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गैस ऑन कर लेंगे। गैस हमारा ऑन हो चुका है। अब हम इसमें तेल डालेंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जीरा डालेंगे। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज हमारे हल्के ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें हरी मिर्च लहसुन का पेस्ट डालेंगे। गैस हम थोड़ा कम कर देंगे। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, सभी को अच्छे से मिलाएंगे। मसाले हमारे पक चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर प्यूरी डालेंगे। मसाला हमारा अच्छे से पक रहा है, तब तक हम टिंडे तैयार कर लेते हैं। गैस का फ्लेम कम कर देंगे। टिंडों को हमने अच्छे से साफ पानी से धोकर छिलकर इस तरह से चौकोर कट लगा दिया है। अब हम इसमें डालने के लिए मसाला तैयार करेंगे। अब हम एक बोल लेंगे, इसमें आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, चौथाई चम्मच हल्दी डालेंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधे चम्मच नमक, सौंफ पाउडर। अब हम इसमें दो छोटे चम्मच दही डालेंगे। मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। बीच बीच में हम कुकर में मसाले को चेक कर लेंगे ताकि हमारा मसाला लगे ना। मसाला हमारा पक रहा है तब तक हम टिंडे में मसाला भर लेंगे। देखिए हमने सभी टिंडों में मसाला भर लिया है। अब हम कुकर में मसाला चेक कर लेंगे। मसाला हमारा पक चुका है। अब हम इसमें आधा कप पानी डालेंगे। अब हम टिंडे को कुकर में रखेंगे। हमने सभी टिंडों को कुकर में रख दिया है। अब हम कुकर के ढक्कन लगा देंगे। हमने कुकर के ढक्कन लगा दिया है। अब एक सीटी आने तक हम सब्जी को पकाएंगे। एक सीटी आ चुकी है। अब हम गैस का फ्लेम कम कर देंगे और 2 मिनट के लिए कम गैस पे पकाएंगे। दो मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे। कुकर की भाप निकल चुकी है। अब हम कुकर का ढक्कन खोलेंगे और सब्जी को चेक करेंगे। हमने कुकर का ढक्कन खोल लिया है। देखिए सब्जी बनकर तैयार है। कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इसे एक बॉल में निकाल लेंगे। हमने सब्जी को बॉल में निकाल लिया है। देखिए हमारी सब्जी बनकर तैयार है। कितना बढ़िया कलर आया है। तो लीजिए तैयार है दोस्तों ग्रेवी वाले भरमा टिंडे की सब्जी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू दोस्तों।